नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित प्री बजट कंसल्टेशन संबंधित बैठक में उत्तराखंड के पर्यटन, तीर्थतट एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 2021 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए अब लगभग एक वर्ष 7 माह का ही समय शेष बचा है, जिसके दृष्टिगत कुंभ मेले के आयोजन से संबंधित स्थायी प्रकृति के कार्यों की स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर निर्गत की जानी आवश्यक होगी, ताकि कुंभ मेले के आयोजन से पूर्व ही माह अक्टूबर नवम्बर 2020 तक समस्त कार्य पूर्ण कराया जाना संभव हो सके। हरिद्वार में आगामी महाकुंभ मेला का आयोजन माह जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। केंद्र के सत्ता पर दूसरी बार आसीन नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीद है। खासतौर पर ऑलवेदर रोड के दायरे में प्रदेश को अन्य सड़कों में शामिल करने और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन को तेजी से पूरा करने के लिए बजट में पिटारा खुलेगा। उम्मीद ये भी है कि देश को बेशकीमती पर्यावरणीय सेवाएं मुहैया कराने के एवज में ग्रीन बोनस अथवा नमामि गंगे समेत विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं में अधिक मदद मिल सकेगी। उत्तराखंड राज्य बने हुए 18 साल गुजरने के बाद बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विस्तार में अड़ंगा लगा हुआ है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में निर्माण कार्यों की ज्यादा लागत और राज्य के सीमित आर्थिक संसाधन आड़े आ रहे हैं। इस वजह से राज्य सरकार अवस्थापना सुविधाओं, सेवाओं के विकास और विकास के लिए केंद्र की ओर टकटकी बांधे हुए है। उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। इको टूरिस्ट के जरिए उत्तराखंड की सुंदरता को निखारने के लिए लगातार सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं। और क्या कुछ प्रयास सरकार की तरफ से इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, इसी को लेकर उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत से बातचीत की न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने। इको टूरिज्म का विकास करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। इको टूरिज्म यानी कि प्रकृति आधारित टूरिज्म, पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो 5 लाख से अधिक लोगों ने इको टूरिज्म का लुत्फ उठाया, जिनमें 15,000 से अधिक विदेशी सैलानी थे। इस बार सरकार का इको टूरिज्म को लेकर क्या कुछ रोड प्लान है? हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन बनाया जाएगा। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत इस समय हमारे साथ न्यूज इंडिया पर मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या कुछ इको टूरिज्म के विकास के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए, हालांकि 5 सर्किट बनाए गए हैं, किस तरह से जगहों को चिन्हित किया जाएगा? देखिये, इको टूरिज्म कारपोरेशन का हमने गठन किया है और 5 सर्किट, एक कोटद्वार सर्किट है, एक देहरादून सर्किट है, रामनगर सर्किट है, हल्द्वानी सर्किट है, टनकपुर सर्किट है। इस तरह हमने 5 सर्किटों को में इसको डेवलप करने का निर्णय लिया है। जो हमने रिवर राफ्टिंग के जो 25 एनजीटी ने जिनको स्वीकृति दी थी, उनको भी, जिनमें 13 वन भूमि पे थे, उनको हमने पीपी मोड पे संचालित करने का निर्णय लिया है। और धीरे धीरे हम इको फ्रेंडली सिस्टम से चलकर और इको टूरिज्म कॉरपोरेशन के माध्यम से उत्तराखंड में टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ की गतिविधियों को बढ़ाने पर हमने फोकस किया है। और अभी क्योंकि नया कॉरपोरेशन है, धीरे धीरे हम इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे कि भाई कुछ जैसे पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन हम बना रहे हैं, इसी तरह की अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के गार्डन पार्क, इको पार्क बनाकर उसको इस तरह हम इसको विकसित करने का हमने निर्णय लिया है। मंत्री जी, पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो 18 करोड़ से अधिक जो है आय हुई थी इको टूरिज्म के जरिए। राजस्व अर्जन के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, हम धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ को, उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ को आम जनता के साथ जोड़ना, लोगों को ये समझना कि वाइल्ड लाइफ के साथ साथ कैसे तालमेल बैठाया जा सके, इस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ नए जगह जो है चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि जो रेवेन्यू है उसमें संख्या में इजाफा हो सके? बिल्कुल, हमने
जैसे कुड़दार में हमने सनेह पर इको पार्क बनाने का निर्णय लिया है, उसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए हमने इस तरह की व्यवस्था की है। कुछ हम जू बनाने के निर्णय हमने लिया है, जैसे नैनता हल्द्वानी में हम इंटरनेशनल जू बना रहे हैं, उस पर काम शुरू हो गया है। तो इसी तरह हम हर क्षेत्र में कुछ न कुछ इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जिससे कि लोग जंगल में कम से कम नुकसान करें और लोगों को नेचुरल चीज़ें, वाइल्ड लाइफ से संबंधित, जंगल संबंधित नेचुरल चीज़ें देखने को मिल सकें। तो इस तरह के थीम पर हमने, जैसे अभी देहरादून जू को हमने जिस थीम पर हमने इसको अब आगे बढ़ाया है, उससे बहुत बड़ा हौसला। और मैं सोचता हूँ कि देहरादून, जो कोई भी देहरादून आता है उसके पास कुछ नहीं होता देहरादून में कहीं जाने के लिए। अब हमने जो जू बनाया है और वो पूरे इंडिया के अंदर नंबर वन जू के रूप में प्रसिद्ध होता जा रहा है और नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी वो टॉप 10 जू के रूप में लोग उसको पसंद कर रहे हैं। राजस्व अर्जन के लिए क्या कुछ अधिकारियों को आपने दिशा निर्देश दिए हैं कि इस बार, पिछले साल अगर 18 करोड़ लगभग राजस्व हुआ था तो इस बार कुछ इजाफा हो? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि जैसे कॉर्बेट से हमको पिछली बार 12 करोड़ के आसपास, राजेश्वर पार्क से, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये राजस्व हमारा बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा, प्रदेश को फायदा भी होगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री विधायक जी। तो हमने बात की उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से। स्पष्ट रूप से कहा है कि इको टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार व्यापक बदलाव लाने का प्रयास कर रही है और जिस तरह के आंकड़े पिछले बार रेवेन्यू को लेकर आए थे, इस बार उनको भी अधिक किया जाएगा। कैमरा पर्सन सलमान कुरैशी के साथ रोहित विक्रम सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लोकसभा सांसद बनने के बाद बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि 15 अगस्त को नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार ये बात भी सामने आई है कि किसी वरिष्ठ नेता को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पहले जिला इकाई के चुनाव होंगे, फिर सक्रिय सदस्यों में से प्रदेश अध्यक्ष चुना जा सकता है। क्योंकि जिला इकाई के चुनाव 11 अगस्त तक होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा 15 अगस्त के बाद की जानी चाहिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों पौड़ी दौरे पर है। अजीत डोभाल अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव कीड़ी में हर साल 22 जून को आयोजित होने वाली कुलदेवी की वार्षिक पूजा में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। इस दौरान अजीत और उनके परिवार का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस कदम का स्वागत करते हैं कि वो देश के शीर्ष पद पर आसीन होने के बावजूद भी आज अपने गांव में वो आए हैं और गांव के लोगों में खुशी है। और ये हर व्यक्ति के एक जो उनका एक ध्येय होना चाहिए कि जहाँ से, जिस माटी में हम पले हैं या जिस माटी से हमारा लगाव है, वो आज अपने गांव में जो है धार्मिक अनुष्ठान में आए हैं। और हर व्यक्ति को जो है, भारत का हृदय गांव है, आज भी वो गांव नहीं भूले और लगातार जब भी उनको अवसर मिलता है वो गाँव की ओर आते हैं और उनका जो सरल स्वभाव है वो गाँव के लोगों के बाहर, ये उत्तराखंड का एक गौरव है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के मुखिया ने जनता के बीच जाकर जो विकास की घोषणाएं की, उन पर सरकारी तंत्र संजीदा नहीं दिख रहा है। आलम यह है कि 2.5 वर्ष के कार्यकाल में सीएम ने 1323 घोषणाएं की हैं, जिनमें से आधी घोषणाओं पर काम अभी भी अधूरा है। कुछ विभागों की स्थिति यह है कि उनका खाता तक नहीं खुला है। ये हालात सरकारी तंत्र व प्रदेश में विकास की स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 23 और 24 जून को कुमाऊं मंडल के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश इलाकों में भी बारिश का अनुमान है।
इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार और सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। विशेषकर नैनीताल और चंपावत समेत कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। इस दौरान गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में ओले गिर सकते हैं। इसके अलावा मैदानी इलाकों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है, जिसकी अधिकतम गति 60 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। नैनीताल के हल्द्वानी शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें कि प्रथम वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में लगभग 218 में अधिक युवकों ने प्रशिक्षण लिया। 21 दिनों तक चले इस शिविर का समापन क्षेत्र प्रचारक आलोक जी ने किया। इस मौके पर प्रशिक्षणार्थियों ने एक से बढ़कर एक हैतंगेज कर्तव्य दिखाए। वहीं कार्यक्रम का समापन करते हुए क्षेत्र प्रचारक आलोक ने लोगों को संगीत की बारीकियों से अवगत कराया। तराई केंद्रीय वन प्रभाव के बरहेनी रेंज में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लकड़ी तस्करों ने टीम पर गोली चलाई। फायरिंग में एक बीट वॉचर की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा बीट वॉचर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि वन तस्कर मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। वन विभाग और कालाडूंगी पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। २०१३ केदारनाथ त्रासदी के बाद वहां की देखरेख करने वाला जीएमवीएन विभाग, जो कि पिछले काफी समय से फंड की तंगी से जूझ रहा था, वो इस साल चार धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों से 11 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है, जिसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस सीजन के अंत तक जीएमवीएन की कमाई 11 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जिससे जीएमवीएन को तंगी में चल रहा था उसको माली राहत मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि जीएमवीएन के फायदे का कारण बारिश का देरी से आना बताया जा रहा है। तेरह के बाद जो है, अगर मैं जीएमवीएन का वो देखूं तो मैं 13-14 में जो है हम लोग 12 करोड़ रुपए नुकसान में था, और जहां तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान था लगभग 60 करोड़ के आसपास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था। लेकिन आफ्टर डिजास्टर, क्योंकि गवर्नमेंट के सहायता से, गवर्नमेंट के सहयोग से जो है हमने कई नए नए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, कई TRH नए डेवलप किए हैं, मॉडिफिकेशन किए हैं, और उसी का बदौलत जो है आज हम इस स्थिति में है कि हम यात्रा से जो हमारी स्थिति थी उस स्थिति में पहुंचे। रुड़की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान लगभग 59 शराब की पेटियां बरामद की गई। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रुड़की के ढंडेरा गांव में अवैध तस्करी तरीके से शराब बेची जा रही है। पुलिस टीम ने सूचना पर दबिश पर मौके से शराब बरामद की। पुलिस द्वारा पूर्व तस्करों पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन शराब माफिया पुलिस की कार्रवाई से कोई सबक नहीं लेते। अवैध रूप से शराब रखी गई है, तो जब दबिश दी गई ढंडेरा में तो 69 पेटी अवैध शराब की हमें मिली। 2 मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके खिलाफ 60 एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और इसके पश्चात फिर उनको न्यायालय भी भेजा गया है। देखिए, कार्यवाही तो चल रही है, पकड़े जाएंगे जो भी इसमें गुनहगार हैं। ये सब पुलिस समय के साथ इन सभी को गिरफ्तार कर लेगी। पहले थोड़ी इसमें जाँच पड़ताल हम कर लें। रामनगर वन प्रभाग द्वारा पालतू हाथियों को जब्त करने के बाद उन्हें आमडंडा स्थित अस्थायी हाथी खाने में रखा गया है। प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के द्वारा गठित की गई टीम इन हाथियों का जांच करने के लिए पहुंची। इस दौरान टीम ने लक्ष्मी नामक हथिनी के दोनों पांव में फैले संक्रमण को देखकर इलाज शुरू कर दिया। खुली जगह और धूल मिट्टी के कारण लक्ष्मी के पैरों में संक्रमण और सूजन बढ़ रही है। उसे उपचार के लिए अन्य जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए जहाँ पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो। कोई
कोई रेस्क्यू सेंटर या कोई हॉस्पिटल है नहीं, ये टेम्परेरी रिहेबिलिटेशन है। तो यहाँ पे भाई इसके लोग चलने फिरने के कारण भी ये वुंड रिफ्रेश हो जा रहा है, स्वाइलिंग हो रही है, उसकी वजह से रिलैप्स हो रहा है कंडीशन। तो इसलिए ऑब्वियसली कहीं ऐसे जगह शिफ्ट करने के लिए या ट्रांसलोकेट करने के लिए सोचा जाएगा जहाँ पे कि इसको जो है थोड़ा सा सुविधाजनक हो। इस बारे में हमारी अभी मीटिंग होगी तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आज ये सारे डॉक्टर्स मिल करके सभी हाथियों का परीक्षण कर रहे हैं कि उनका वर्तमान में स्वास्थ्य कैसा है और आगे इनके स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो इस पर अपनी रिकमेंडेशन देंगे और तदनुसार उस पर उच्च अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया जाएगा। जो भी उनके निर्णय दिए जाएंगे और जो भी उनके दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और डॉक्टरों को जो परामर्श होंगे उस परामर्श के अनुसार इनके हाथियों का रखरखाव आगे करने के किया जाएगा। हरिद्वार आबकारी विभाग में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पतरी थाना क्षेत्र के दिनारपुर गांव में दबिश दी गई। इस दौरान कच्ची शराब बनाने के देशी उपकरण बरामद किए। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर ही उपकरणों को तोड़ दिया। आबकारी निरीक्षण लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने बताया कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना पर दिनारपुर टेरे से लगे हुए नाली के पास दबिश दी गई। दबिश के दौरान अलग अलग जगहों पर चार ड्रमों में तथा पॉलिथीन के अंदर लगभग 1000 केजी लहन बरामद हुआ। लहन के अतिरिक्त शराब बनाने के उपकरण भी मौके पर बरामद किए गए। लहन और शराब बनाने के उपकरणों को मौके पर नष्ट किया गया और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपदा से निपटने के लिए उपजिलाधिकारी ने कचहरी परिसर में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आपदा से निपटने के लिए IRS टीम का गठन किया और हर विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जाना कि विभागों के पास क्या क्या संसाधन है, यदि किसी प्रकार का अभाव है तो उनको पूरा करवाया जाए। साथ ही सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी संसाधनों से लेकर अधिकारी व कर्मचारी को अपडेट रहना जरूरी है, जिससे किसी भी घटना दुर्घटना के समय बचाव कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। आज यहाँ पर आगामी मानसून अवधि को देखते हुए देवी आपदा की जो घटनाएं घटित होते उसमें सब डिविजनल मसूरी के स्तर पर एक IRS का गठन किया गया है टीम का, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें नामित किया गया है और उनको उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उसके साथ साथ कितने संसाधन हमारे पास क्या क्या उपलब्ध हैं उसके संबंध में एक विस्तृत चर्चा और एक बैठक यहाँ पर ली गई है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो उनको जिम्मेदारियाँ दी गई है उसको भली भांति समझ लें और उसके अनुरूप यदि भविष्य में कोई आपदा घटित होती है उस समय तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई करें। इसमें हमने एक IRS का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसके माध्यम से कोई भी घटना होने पर तत्काल संबंधितों को सूचना उसके माध्यम से भी की जाएगी। जसपुर में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन से महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिले। इस दौरान ग्राम पंचायत में 100 से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने लाभान्वित हुए, जबकि अब तक हजारों महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में खाना पकाने के लिए परंपरागत रूप से लकड़ी और गोबर के चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता था, इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस योजना से महिलाओं को राहत मिली। यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 104 लाभार्थियों को जो है महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने महिलाओं की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए और उसका संज्ञान लेते हुए जितने भी छूटे हुए लाभार्थी थे उनको भी उज्ज्वला योजना में ले लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जसपुर में कोजी ब्यूटी सोसाइटी संस्था द्वारा एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे स्तन और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करना। इस दौरान कैंप में महिला चिकित्सकों ने ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं को इनके लक्षण और बचाव के लिए उपाय भी बताए। बीमारियों से ग्रस्त महिलाओं को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। कैंसर के लिए टिप्स दिए गए हैं कि अगर आपको लगे कि आपके ब्रेस्ट का साइज पहले से बड़ा हो रहा है या आपका एक ब्रेस्ट छोटा है एक बड़ा है या ब्रेस्ट में किसी तरह का डिम्पलिंग हो रही है या ब्रेस्ट से अननेसेसरी कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है,
और या कोई फाइब्रॉइड या लूम की बन रहा है, अंडा में कोई रेडनेस नज़र आ रही है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लेकिन उस बात को अवॉइड नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को जाके उनसे कंसल्ट करना चाहिए। पॉजिटिविटी सोसाइटी के द्वारा उसके बैनर के तले एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया था, एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से क्या लक्षण हैं वो हो ही ना, उसके लिए हमें कैसे अपनी देखभाल करनी है जागरूक किया, और उससे कारण क्या है उसके और कैसे बचा जा सके, उसके उपाय क्या करने चाहिए, ये सब इनको जानकारी दी। नैनीताल हाईकोर्ट को अनियंत्र शिफ्ट करने को लेकर नाराज अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि शिफ्ट करने को लेकर वेबसाइट में जनता की राय मांगी, जिसका अधिवक्ताओं ने विरोध कर दिया है। कुछ अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय को नैनीताल में रखने का समर्थन किया। उन्होंने कहा उच्च न्यायालय नैनीताल से अनियंत्र शिफ्ट नहीं किया जाए। इस दौरान वेबसाइट से पोस्ट को भी हटाने की अपील करते हुए कहा अगर वेबसाइट नहीं हटाई तो रणनीति तय की जाएगी। दो दिन से हमारा सदन चल रहा था और ज़्यादातर लोगों की ओपिनियन बड़ी शालीनता के साथ हमारी बार में आई और सभी लोगों का एक ही मानना है कि कोर्ट यहां से शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, और हम उस प्रस्ताव को लेके जो प्रस्ताव का कंक्लूजन है उसको लेके माननीय न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस साहब के साथ जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जो आपने वेबसाइट में जो ये लेटर एंटरटेन किया है इसको आप डिलीट कर दें। इफ़ एनी केस अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हैं तो मे भी हो सकता है बाहर के अन्य लोग या बाहर के लोग कंटिन्यूस जनरल हाउस के लिए हमसे डिमांड करेंगे, तो उस परिस्थिति में जो भी परिस्थितियां आएंगे वो फिर खुद उनको फेस करनी पड़ेगी। उत्तराखंड प्रदेश में शासन प्रशासन द्वारा खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध के बावजूद गदरपुर व दिनेशपुर थाना अंतर्गत भांगड़ा नदी में बेधड़क होकर खनन माफियाओं द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। गदरपुर से दिनेशपुर बाया महेताश मोड़ लिंक मार पर भाकड़ा पुल इन खनन माफियाओं के द्वारा खनन किए जाने से पुल गिरने की स्थिति में लोगों को सता रहा है। स्थानीय लोगों को मानना है कि एक दो बारिश में भाकड़ा पुल गिर सकते हैं। प्रयास के बाद ही ये पुल बनाया गया, इससे पहले हम लोग इसके नीचे से नदी के नीचे से चलते जाते थे और यहाँ के जनता के अथक प्रयास तथा सरकार की प्रयास के बावजूद ये पुलिया जब बना है तो हम लोग के आने जाने की सुविधा जो है हो गया है। ये जो है ये नुकसान तो हो रहा है, गांव में नुकसान हो रहा है, खेती के लिए नुकसान हो रहा है, और बल्कि इसमें जब बरसात होता है, जब पानी आता है तब भी नुकसान होता है और ज़्यादा कटता है इससे पानी, तो इस वजह से नुकसान होता है। नुकसान का कारण क्या? नुकसान का कारण खुदाई, जो मिट्टी खोदते हैं जिनको जरूरत पड़ता है वो ये गलत तरीके से मिट्टी ले जाते हैं। नगर पंचायत दिनेशपुर में डेलीवेज सफाई कर्मचारी के साथ नियमित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर पंचायत प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। इस बीच नगर क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन की ओर से धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बातचीत कर धरना प्रदर्शन रोके जाने और काम पर लौटने की बात रखी, लेकिन कर्मचारियों ने मना कर दिया और धरना प्रदर्शन में डटे रहे। सफाई कर्मचारी संघ का जो है इनके द्वारा कल शाम 7:20 पर जो है एक से आठ बिंदुओं पर एक वो पत्र प्रस्तुत कर जो है उसकी कार्रवाई हेतु निदान की वो करी है, और इस पर यह आरोप लगाया गया है कि अगर बाई चांस कोई घटना घटित होती है तो नगर पंचायत ही जिम्मेदार होगी। तो इनका मांग है स्वच्छता समिति की गठन किया गया, और इनको मांग के मांगते हुए इनके प्रदेश अध्यक्ष वार्ता हुआ था। वार्ता होने के बाद दोनों पक्षों की सहमति बनी थी, समझौता नामा में साइन भी है, उसके बावजूद हमने बोर्ड में बैठक करके हमने शासन को भेज दिया है, लेकिन पत्र का भी ये लोग वेट नहीं कर रहे हैं और अनावश्यक हड़ताल कर रहे हैं, जो नजाय एक आम जनता होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को मंडल अध्यक्ष भी हूँ। महीने से जो है इस बात को चलती है, चेयरमैन साहब ने हमें लिख के दे दिया 2-3 दफ़े कि हम जो है चीज़ को कर देंगे, मगर आज 4 महीने हो गए, 4 महीने से हमारा कुछ नहीं हुआ है कर्मचारियों का, और आश्वासन देते आए हैं अब तक। चेयरमैन साहब राजी हैं इस मामले में, मगर उस यू साहब हमारे बहुत गुमराह कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हमारे काशीपुर से अजय बन्नू जी जो है शासन आदेश ले आए हैं उसको मान के नाराजी हो रहे हैं यू साहब, उसको भी ना मान रहे हैं। शासन आदेश में सारा कुछ बायोडाटा लिखा हुआ है,
उसको मानने रहे हैं ये साहब, कह रहे हैं कि मैं इसको मान लूंगा नहीं, और बताइए शासन का आदेश है और यहाँ के बोर्ड प्रस्ताव करने के बाद में उन्होंने चिट्ठी शासन को दे दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।